नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जीवन वैभव में। हर कोई आशा करता है कि पिछले साल कैसा भी गया हो, अच्छा गया हो या बुरा गया हो, आने वाला साल हमेशा अच्छा जाए। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, वैसे ही हर दिन, हर महीना और हर साल बराबर नहीं होता है। आज जो सिंहासन पर बैठा है, जिसके पास रुतबा है, मान सम्मान है, पैसा है, कल वो शायद ना हो। पैसे मान सम्मान का मोहताज हो सकता है। समय बड़ा बलवान होता है। आज जो दरिद्र है, वो कल हो सकता है धनवान हो। समय आश्रित होता है ग्रह नक्षत्रों पर। ग्रह नक्षत्रों से हम जान सकते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा, शुभ या अशुभ। बच्चों की शिक्षा कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक सामंजस्य रहेगा या नहीं। तो आइए हम इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का जवाब खोजेंगे। इस श्रृंखला के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि का वार्षिक राशिफल जाना था। तो आज हम जानेंगे मकर राशि के बारे में। 2024 में मकर राशि वालों का भविष्य क्या रहेगा, वे क्या नया करेंगे, उनका व्यवसाय कैसा रहेगा और भी बहुत कुछ। मकर राशि के जातक जिनका जन्माक्षर मो, जा, जी, खो, खू, खे, खो, ग, गी है, राशि स्वामी शनि है। मकर राशि वाले सबसे ज्यादा दृढ़ निश्चय और महत्वाकांक्षी होते हैं। जैसा कि इनकी राशि स्वामी शनि है और शनि को न्यायाधीश के रूप में बताया गया है, और इस वजह से ये जातक सोचते बहुत हैं। ज्यादा अधिक सोचने और तह तक जाने में कई बार फायदे हो जाते हैं, लेकिन इसके इन्हें नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। एक तय समय में कार्य पूरा करना हो तो मकर राशि वाले सोचने के चक्कर में तय समय में नहीं कर पाते हैं। वो बात अलग है कि इनका उत्तर सबसे सही और उपयुक्त होता है। आमतौर पर इस राशि के जातक लंबे कटकाठी और मेहनती होते हैं। इस राशि के लोगों में अपनी पहचान बनाने की गजब की ललक होती है और अपनी मेहनत से कामयाब भी होते हैं। यह लोग काम के प्रति बहुत जुनूनी और समर्पित होते हैं। इस राशि के जातक अनुशासित, जिम्मेदार और व्यवहारिक प्रकृति के लोग होते हैं। इन लोगों में गजब की तार्किक क्षमता होती है। ये लोग भरोसेमंद दोस्त साबित होते हैं। दूसरों की मुसीबत में ये लोग पूरा साथ देते हैं। ये धार्मिक होते हैं। इन्हें भजन कीर्तन करना अच्छा लगता है। ऐसे ही भजन कीर्तन करते हुए आपका 2024 निकल जाए, हम ऐसी आशा करते हैं। साल 2024 मकर राशि वालों के लिए साल 2023 से भी मजबूत और बेहतर रहने वाला है। इस साल आप आर्थिक रूप से बेहतर रहेंगे पिछले साल की अपेक्षा। इस साल आपको तरक्की मिलने की पूरी संभावना है। साल 2024 में आप धार्मिक चीजों की तरफ आकर्षित होंगे। मकर राशि के लिए शनि की साढ़े साथी का आखिरी चरण चल रहा है। शनि जो कि आपके धन भाव यानी कि द्वितीय भाव के स्वामी है, अपने द्वितीय भाव की राशि में ही विराजमान रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपको धन की समस्या नहीं होगी। बृहस्पति 1 मई तक आपके चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाएंगे और आपके करियर में भी उन्नति देंगे। तो वहीं 1 मई से आपके पंचम भाव में जाकर संतान का सुख देंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपकी आमदनी में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। राहु पूरे वर्ष आपके तृतीय भाव में रहकर आपको साहसी बनाएंगे और इससे व्यापार एवं नौकरी में आप अनेक प्रकार के जोखिम भी ले सकते हैं। इस वर्ष आपकी छोटी छोटी यात्राएं होंगी जो पारिवारिक एवं व्यवसायिक हो सकती है। आइए अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपका परिवार के बारे में। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वर्ष शुभ रहेगा। द्वितीय भाव में शनि अपनी ही राशि के होने और चतुर्थ भाव में बृहस्पति के अपनी मित्र राशि में उपस्थित होने के कारण पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। वर्ष का पूर्वार्ध सबसे अनुकूल रहेगा। उसके बाद 1 मई को बृहस्पति आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। राहु आपके तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप जीवन में अच्छी सफलता तो प्राप्त करेंगे, लेकिन भाई बहनों को और अपने रिश्तेदारों को कुछ स्वास्थ्य समस्या दे सकते हैं। उन स्वास्थ्य समस्याओं से आपके संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अन्यथा कुछ बड़ा घट सकता है। संतान की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ मध्यम रहेगा, परंतु अप्रैल से गुरु ग्रह का गोचर पंचम स्थान में हो रहा है। उसके बाद समय अनुकूल हो जाएगा। जिनको संतान नहीं है, उनको संतान प्राप्ति की संभावना इस वर्ष अधिक बन रही है। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके व्यवसाय एवं करियर के बारे में।
मकर राशि वालों के लिए करियर की शुरुआत शानदार रहेगी। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो वर्ष के प्रारंभ में आपको अपनी रुचि के अनुसार एक बेहतर नौकरी मिल सकती है। इस वर्ष आपकी तरक्की के आसार भी हैं और आपके काम की हर क्षेत्र में तारीफ होगी। अप्रैल में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि तीन प्रमुख ग्रह बृहस्पति, शनि और राहु में गोचर होगा, लेकिन अप्रैल के अंत तक आप अपने काम में कड़े प्रयासों से समस्या का समाधान कर लेंगे। नवंबर का महीना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान आप एक अच्छी पदोन्नति के योग बना सकते हैं। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए वर्ष मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। तीसरे भाव में विराजमान राहु के होने की वजह से आप चुनौतियों से ना घबराएंगे, जिससे आप बड़े से बड़ा जोखिम उठाकर भी अपने व्यापारों को बेहतर तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे। जनवरी और फरवरी के महीने में आपको विदेशी माध्यमों से व्यापार को विस्तार देने का मौका मिल सकता है। आपको लापरवाही से बचना होगा क्योंकि लापरवाही आपके व्यापार को नुकसान पहुंचा सकती है। आइए अब जानते हैं आप और आपकी शिक्षा के बारे में। विद्यार्थियों के लिए वर्ष अनुकूल रहेगा। बुध और शुक्र आपके पंचम भाव पर प्रभाव डालेंगे। आपके मन में आपकी पढ़ाई के प्रति कौतूहल और उत्सुकता दोनों बढ़ाएंगे तथा आपके अंदर के ज्ञान को समृद्ध बनाने में और आपको शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने में सहयोग प्रदान करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षार्थियों के लिए वर्ष का प्रारंभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अप्रैल के बाद का समय बहुत शुभ रहने वाला है। आपको सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी एकाग्रता में कमी महसूस होगी और पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। व्यवधान के कारण आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है, लेकिन हिम्मत न हारें, मेहनत करते रहें। शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना फरवरी और अप्रैल के महीनों में पूरा हो सकता है। इस सिलसिले में सितंबर का महीना भी लाभ देगा। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपका धन, पूंजी और वेल्थ के बारे में। वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में वृद्धि करेंगे और वहां उपस्थित होकर आपकी आय को बढ़ाएंगे। आपकी वित्तीय स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर होगी और दूसरे भाव में उपस्थित शनि ही अपनी ही राशि कुंभ में होने से आपके धन संचय करने की प्रवृत्ति पर जोर देंगे, जिससे आपका धन भी संचित होता रहेगा। मंगल और सूर्य वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में होंगे, जिससे खर्चे भी अधिक होंगे, लेकिन फरवरी के बाद उनमें कमी आने लग जाएगी। कोई संपत्ति आपको जनवरी से अप्रैल के बीच प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको कोई पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। वाहन अप्रैल मई में आप ले सकते हैं, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विवाहित जातकों के लिए वर्ष काफी प्रसन्नता देने वाला होगा, लेकिन वर्ष के प्रारंभ में कुछ समस्याएं आ सकती है। आपका स्वास्थ्य शिथिल पड़ सकता है, जिसके कारण जीवन साथी को भी कुछ परेशानियां हो सकती है। उनके व्यवहार में बदलाव आ सकता है। आपको भी अपने क्रोध पर वर्ष के प्रथम तिमाही में लगाम लगाना होगा, क्योंकि उससे आपका रिश्तों में दरार आ सकती है। उसके बाद का समय अपेक्षाकृत ठीक रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ ये वर्ष आनंदित होकर बिताएंगे और किसी रमणीय जगह जाकर कुछ समय बिताएंगे। जुलाई और दिसंबर के महीने में अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और उन्हें मार्च से अप्रैल और मई जून के बीच आपके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की आहट हो सकती है जो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में बैठकर वहां से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंध में भरपूर रोमांस और प्रेम के योग बनेंगे। मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होगा तो समय आपके रिश्ते के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। उस दौरान आपको किसी तरह के वाद विवाद को टालने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके स्वास्थ्य के बारे में। यह वर्ष स्वास्थ्य दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। आपकी राशि स्वामी पूरे वर्ष आपके द्वितीय भाव में बने रहेंगे। यह अपनी राशि में रहेंगे और आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाएंगे, जिससे कि आप अन्य बीमारियों से लड़ पाए। तीसरे भाव में उपस्थित राहु भी आपका पूरा साथ देंगे और आपकी जीवन समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन 29 जून से 15 नवंबर के बीच आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वर्ष के प्रारंभ में आपके अंदर नकारात्मक विचार जन्म ले सकते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य
बिगड़ सकता है। आपको इस समय अपने परिजन और अपने लोगों के साथ मिलकर बातचीत करते रहना होगा, बाकी पूरे वर्ष आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपने अभी जाना मकर राशि के वार्षिक भविष्यफल के बारे में। पारिवारिक व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, धन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपने ये भविष्यफल जाना है। अगर यह प्रयास सही लगा हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई प्रश्न या कोई समस्या हो तो कमेंट करें या फोन नंबर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें या मेल करें drhemchand01045@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें जिससे अन्य को भी यह वार्षिक राशि पर मिल सके और उस अनुरूप अपनी योजना बना सके। जल्द ही कुंभ राशि का वार्षिक राशिफल के साथ मिलते हैं। तब तक देखते रहिए ज्योतिष जीवन वैभव। धन्यवाद।